नमस्कार, मैं हूं अब्दुल काबिस खान और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का स्पेशल कार्यक्रम विधायक नामा की। आज हम बात करेंगे सिवनी के विधानसभा क्षेत्र की, जिसके जानने की कोशिश करेंगे विधायक के रिपोर्ट कार्ड की। वहीं हम बात करेंगे सियासत से जुड़े हुए लोगों से सिवनी की सियासत की। वहीं जानने की कोशिश करेंगे हम जन के मन की। तो आइए इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करेंगे सिवनी विधानसभा की सियासती नजरिए की। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर किसी क्षेत्र के सियासी नजरिए को समझना है तो उसका इतिहास इसमें बहुत मदद करता है, और सिवनी तो केंद्र की राजनीति का गढ़ रहा है। ये मुगलों से लेकर भोंसले साम्राज्य और फिर ब्रिटिश हुकूमत के हुक्मरानों की पसंदीदा जगह रह चुका है। तभी तो आजादी के बाद भी यहाँ 350 गांव के दीवान की रियासत बरकरार रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि दीवान महल सिवनी के इतिहास का जीता जागता सबूत है। दीवारें भले ही जर्जर हो गई हों, लेकिन इस महल से सियासत करने वाले दीवान के वंशज आज भी निवास करते हैं। उनका राजनीतिक दखल आज भी सिवनी में बरकरार है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो है दीवान महल। रियासत काल के दौर से यहां पर सियासत चलती थी और यहीं से पूरे क्षेत्र में हुकूमत भी चलती थी। आजादी के बाद भी लंबे समय तक यहां पर दीवानों ने अपनी सियासत चलाए, हुकूमत चलाते रहे। लेकिन आजादी के बाद जैसे जैसे दौर बढ़ते रहा, कदम ब कदम हुकूमत का दौर और सियासत का दौर इस दीवान महल से बाहर निकलते गया और यहां पर सिवनी की पूरी हुकूमत जो इस दीवान महल में लगातार लंबे समय से चलती रही थी वो एक वक्त के आने के बाद खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके आज भी दीवान महल में दीवान नजब अली जो कि आखिरी वंशज थे, उसके बाद उनकी पीढ़ी यहां पर आज भी निवास करती है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि इस दीवान महल का क्या इतिहास था, सिवनी के सियासत में इसका क्या मकसद था, किस तरीके से यहां से रियायत चलती थी, सियासत चलती थी। 1700 ईस्वी में इस दीवान महल का निर्माण कराया गया था, जब सिवनी भोंसले साम्राज्य के अधीन आ गया। उस वक्त सत्ता का केंद्र छपरा हुआ करता था। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत का यहाँ पूरी तरह से कब्जा हो गया। इस दौरान यहाँ अंग्रेजों ने कई इमारतें भी बनवाई, सिवनी के इतिहास को बयान करती हैं। इसमें एक मिशन स्कूल भी है। ये इमारत अन्य इमारतों की तरह ब्रिटिश कारीगरी का बेहतरीन नमूना है, जो 118 साल बाद आज भी ब्रिटिश हुकूमत की याद दिलाता है। ये इमारत गवाही देती है सिवनी के लोगों में शिक्षा के प्रति सैकड़ों वर्ष पहले भी कितनी जागरूकता थी। बिना सीमेंट और बिना रेत के बना यह शिक्षा का मंदिर खुद अपनी कहानी बयान करता है, जिसे आज भी कोई सियासी पार्टी का नेता झुठला नहीं सकता। ये जो आप भव्य इमारत देख रहे हैं, शाला भवन भव्य इमारत जो देख रहे हैं, ये सन 1884 से इसका निर्माण शुरू हुआ था। मिशनरीज थे स्कॉटलैंड के और वो मिशनरीज ने इस बनाने में अपना योगदान दिया है, परिश्रम किया है। ये 16 साल में कंप्लीट हुआ और सन 1900 से ये शाला विधिवत चालू हुई। शुरुआत में ऐसा बताया जाता है कि केवल 14 विद्यार्थी इस शाला में थे। मैं अनुमति उन्होंने प्रदान की। ऐसा कहा जाता है कि ये जो बिल्डिंग ऊपर दिखाई दे रही है इतनी चेस्पीड प्लेंथ है, जितनी ऊंचाई है उतनी चेस्पीड प्लेंथ है, और यही वजह है कि आज की बिल्डिंग अडिग है। 1997 में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, लेकिन इस बिल्डिंग को जरा सी भी खरोच नहीं आई, जबकि शहर के कई बड़ी बड़ी इमारतें, पुरानी इमारतें भी डैमेज हुई। ये अंग्रेजों का इस शाला के प्रति लगाव था या उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। आजादी के पहले ही 1938 में यहाँ बिजली आ गई थी, लेकिन भारतीय राजनीति के चलते आज भी यहाँ के कई लोग अंधेरे में हैं। 1904 में यहाँ अंग्रेज नैरोगेज ले आए थे, लेकिन भारतीय राजनीति के चलते आज भी यहाँ के लोग ब्रॉडगेज को तरस रहे हैं। अंग्रेजों ने इसे व्यापार का केंद्र बिंदु माना था और सैकड़ों वर्ष पहले इसका जीर्णोद्धार किया था, लेकिन आजाद भारत में सिवनी का विकास से कोसों दूर है। अभी आपने देखा ब्रिटिश हुकूमत की कुछ तस्वीरें, कुछ नजारे, और यही हकीकत है। ब्रिटिश हुकूमत का जीता जागता उदाहरण जो हमें इतिहास दिखाता है
सिवनी विधानसभा क्षेत्र का। जैसे कि हमें पता चला कि 1997 में एक भूकंप आया था, जिस भूकंप से भी इस बिल्डिंग को कोई क्षति नहीं हुई, उसी तरीके से सियासत में भी सिवनी की विधानसभा में एक भूकंप आया था। सियासी भूकंप हम इसलिए कह रहे हैं, 2013 में यहाँ पर एक निर्दलीय विधायक दिनेश राय मुनमुन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस और भाजपा को यहाँ पर मात दी थी। हम इसे सियासी भूकंप इसलिए कह रहे हैं कि उसमें भाजपा और कांग्रेस औंधे मुंह गिरी थी, और उसके बाद लगातार 2018 में भी एक भूकंप के तौर पर यहाँ पर सिवनी की जनता को देखने को मिला, जिसमें दिनेश राय मुनमुन जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किए। आइए हम दिनेश राय मुनमुन से ही जानते हैं कि क्यों उन्होंने निर्दलीय के बाद भाजपा का दामन थामा, और क्या उनको इस भाजपा के दामन थामने के बाद सिवनी के विकास के लिए, सिवनी के लिए कुछ उपलब्धियां हासिल हुई है। हमारे साथ जुड़ेंगे दिनेश राय मुनमुन, सिवनी विधायक। लगातार 25 सालों से सिवनी विधानसभा से राजनीति का वनवास झेल रही कांग्रेस के लिए इस बार सिवनी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। बीजेपी के गढ़ को भेदने वाले निर्दलीय विधायक दिनेश राय मुनमुन अब भाजपा के साथ हैं, लेकिन जिले के भाजपा नेता उनके साथ हैं या नहीं, इस बारे में कयासों का बाजार गरमाया हुआ है। दिनेश राय ने पिछले चुनाव में लंबा चौड़ा घोषणा पत्र जारी किया गया था, इसमें हर साल जनता की अदालत लगाने की बात भी कही गई थी, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने महज एक बार ही इस अदालत का आयोजन किया था। इसके अलावा कांग्रेस के पास उनके खिलाफ बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन्हें कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए उछाल रही है। दिनेश राय ने कहा कि वो किसी भी दल की सदस्यता नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो सिवनी के मतदाताओं से पूछकर ही दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन भाजपा का दामन थामने से पहले अपना वादा पूरा नहीं करने से जनता उनसे खफा हो सकती है। जिसे क्या वजह रही है कि आपको जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर पसंद किया जनता ने, पर उसके बाद आप भाजपा में शामिल हो गए, तो क्या कारण रहे जिसकी वजह से आप भाजपा में शामिल हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कोई निजी कारण नहीं है। अभी आपने सबसे बड़ा कारण देखा मेडिकल को लेकर, कि हमारी सिवनी की जनता 20 साल से विकास के लिए तरस रही थी कि हमारे जिले में कोई बड़ी सौगात मिले। मैं निर्दलीय रूप में 4.5 साल अपना कार्यकाल किया, उसमें बहुत सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिले में दी, चाहे वो पेंच का पानी हो, चाहे रुकी हुई 4 लाइन का काम हो, चाहे हमारे यहाँ होने वाली केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार ने रेलवे लाइन जो नेरो गेज थी हमें बड़ी लाइन में करके उन्होंने ये काम प्रारंभ कराया है। इसी प्रकार 178 गांव जो हमारे बैनगंगा डैम, जो एशिया का सबसे बड़ा डैम है हमारा भीमगढ़ डैम, जिससे 171 गांव को 232 करोड़ की नल जल योजना से जोड़ा जा रहा है। और सीधी बात यह थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमारी योजनाएं बनाई है जनता के लिए, वो सीधे गरीबों के हक के लिए, गरीबों के लिए बेहतर के लिए है। और निश्चित था कि मैंने निर्दलीय रूप में काम किया, जनता की भी अभिमत पाया गया कि भई अगर आप सरकार के भी अंग हो जाएं, सरकार के साथ अगर जुड़ जाएं, तो कहीं ना कहीं इस जिले को और सौगात मिल सकती है। 2013 के चुनाव परिणाम की बात करें तो इनमें दिनेश राय को 65,402 मत मिले थे। उन्होंने भाजपा से 2 बार विधायक रहे नरेश दिवाकर को मात दी थी। नरेश मात्र 44,486 मत ही बटोर पाए थे। वहीं कांग्रेस के राजकुमार खुराना ने 42,128 मत हासिल किए थे। दल बदलने और सिवनी के विकास पर क्या कहना है विधायक दिनेश राय मुनमुन का, सुनिए आप। जिसे क्या वजह रही है कि आपको जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर पसंद किया जनता ने, पर उसके बाद आप भाजपा में शामिल हो गए, तो क्या कारण रहे जिसकी वजह से आप भाजपा में शामिल हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का कोई निजी कारण नहीं है। अभी आपने सबसे बड़ा कारण देखा मेडिकल को लेकर, कि हमारी सिवनी की जनता 20 साल से विकास के लिए तरस रही थी कि हमारे जिले में कोई बड़ी सौगात मिले। मैं निर्दलीय रूप में 4.5 साल अपना कार्यकाल किया, उसमें बहुत सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिले में दी, चाहे वो पेंच का पानी हो, चाहे रुकी हुई 4 लाइन का काम हो, चाहे हमारे यहाँ होने वाली केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार ने रेलवे लाइन जो नेरो गेज थी हमें बड़ी लाइन में करके उन्होंने ये काम प्रारंभ कराया है। इसी प्रकार 178 गांव जो हमारे बैनगंगा डैम, जो एशिया का सबसे बड़ा डैम है हमारा भीमगढ़ डैम, जिससे 171 गांव को 232 करोड़ की नल जल योजना से जोड़ा जा रहा है।
और सीधी बात यह थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमारी योजनाएं बनाई है जनता के लिए वो सीधे गरीबों के हक के लिए, गरीबों के लिए बेहतर के लिए है। और निश्चित था कि मैंने निर्दयी रूप में काम किया, जनता की भी अभिमत पाया गया कि भाई अगर आप सरकार के भी अंग हो जाएं, सरकार के साथ अगर जुड़ जाएं तो कहीं ना कहीं इस जिले को और सौगात मिल सकती है। उसके लिए मैं पूरी विधानसभा के प्रत्येक गांव में गया, लोगों में चर्चा की कि मुझे किस पार्टी में जाना है, नहीं जाना है, निर्दलीय रहना, तो 99% लोगों ने मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए कहा, जनता को सीधा सीधा लाभ मिले, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी। पिछले 25 वर्षों से जिस तरीके से भाजपा का गढ़ रहा है, जनता ने बावजूद इसके शासन पिछले 15 सालों से चलता रहा है भाजपा का, बावजूद इसके अभी तक के सिवनी की जनता को वो सौगातें नहीं मिल पा रही थी जिसकी वजह से उन्होंने भाजपा को छोड़कर आपके साथ चले, क्या आपके भाजपा में जाने से वो अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, ठगा महसूस नहीं, ठगा महसूस तब करते कि मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थापता कोई पद लेने के लिए या टिकट लेने के लिए, तो निश्चित ही मेरे जनता बोलती कि आपने हमारे द्वारा चुना गए आप और आप कहने के स्वार्थ से निकली। क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने कांग्रेस का लोगों को तोड़ के अपने वोटों का मतों का जो एक बड़ी श्रृंखला बनाई थी और अब सीधे भाजपा में अगर आपको टिकट मिलती है तो आपका सीधा मुकाबला फिर उन्हीं कांग्रेसियों से, तो इसमें क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रहेगा? देखिए, मैंने जो 5 वर्षों में सेवा की है जनता के हित में, एक राजनीति बदल दी मैंने, एक विधायक सिर्फ शासकीय काम कराना नहीं, एक विधायक की ड्यूटी समाज सेवा, और मैं ही एक ऐसा विधायक हूँ मध्य प्रदेश में जिसने विधायक की तनख्वाह का विरोध किया था, और मैंने अपनी स्वयं की तनख्वाह जो मिलती है उसका भी मैंने 75% मिला के उसमें और 4 गुनी करके और जनता को बांट रहा हूँ, और एक एक रुपए का मैं हिसाब देता हूँ। तो कहीं मैं नहीं मानता कि मैं कांग्रेस के लोग टूट के आया, भाजपा के लोग उस समय टूट के आए थे, जो सिवनी के हित में विकास के लिए मेरा साथ दिए थे आने वाले समय में पुनः साथ देंगे, और मैं चाहता हूँ कि आने वाला समय मुझे बहुत लंबी लीड से चुनाव जीता है। 50,000 विधानसभा चुनाव 2013 में तो भाजपा को यहाँ से मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन इस बार फिर इस सीट पर कब्जा करने की जुगत में लगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार सिवनी की ओर रुख कर रहे हैं। चुनावी दौरे में सीएम साहब ने जिला को कई सौगातें भी दी, लेकिन परिणाम क्या निकलेगा ये तो 11 को ही तय होगा। 300 करोड़ के बजट से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। यहाँ पे प्रसन्न मालू जी हैं, प्रसन्न भैया बताएं यहाँ पर जिस तरीके से अभी 300 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अगर ये सिवनी में कितना जरूरी है मेडिकल कॉलेज, और अगर इस पैसे को उद्योग 100 करोड़ के 3 उद्योग लगाए जाते तो क्या बेहतर होता? देखिए, बेहतर वाली आप बात कर रहे हैं तो सिवनी में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है और उद्योगों की भी आवश्यकता है। 300 करोड़ की लागत से मेडिकल जो बन रहा है, जिस दिन बन जाएगा उस दिन हम मान लेंगे कि मेडिकल सिवनी में बन गया है। अभी तो शिलालेख और पत्थर लगे हैं, और ऐसे बहुत से शिलालेख और पत्थर पिछले 15 सालों के दौरान लगे जो योजनाएं आज तक के पूर्ण नहीं हुई। दूसरा रहा सवाल, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा अलग है और उद्योगों का मुद्दा अलग है, इसको आप कोरिलेट ना करें तो ज्यादा बेटर है। मेरा ऐसा मानना है कि मेडिकल भी आवश्यक है और उद्योग भी आवश्यक है। उद्योग होंगे, सिवनी का व्यापार बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज, युवा वर्ग को जो रोजगार मिलने वाली बात है, युवा वर्ग को जब तक के आप रोजगार नहीं देंगे तब तक के हमारी अगली पीढ़ी कैसे सुरक्षित है? बड़ी फोर लाइन का काम भी अभी चालू हुआ है, लेकिन बीच का जो मामला अटका हुआ है 10 साल से, वो 4 लेन के लिए भी सिवनी के लोग राह जो तक रहे हैं। उद्योग यदि नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो हमारे यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसे सुधरेगी, युवा वर्ग को रोजगार कैसे मिलेगा, और अन्य सुविधाएं जो जनता को मिलना चाहिए, शहर को मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेंगी, ये समझ के बाहर है। और इस दिशा में कोई भी अभी यहाँ पर प्रयास जारी नहीं है, जो उद्योग आए थे वो भी बंद हो गए। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य बड़े चेहरे भी जिले से दूरी बनाए हुए हैं। कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचे में जान फूंकने के लिए जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना अवश्य ही एड़ी चोटी एक की जा रही है। सिवनी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस, इस बार सिवनी विधानसभा उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है। जैसा कि प्रदेश में ऊर्जावान नेता कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई है पूरे मध्य प्रदेश की, उसी तरह सिवनी में भी इस बार चारों विधानसभा में राजकुमार खुराना को जिम्मेदारी दी गई चारों विधानसभा जिताने। हम बता दें कि सिवनी जिले में
दो विधानसभा अभी कांग्रेस के कब्जे में है। हालांकि सिवनी में निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। अब भाजपा के लोग उन्हें कितना स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम यहां जानने की कोशिश करेंगे राजकुमार खुराना जी से, जो कि सिवनी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या कमियां थी जिसकी वजह से लगातार 25 वर्षों से कांग्रेस सिवनी से हारती रही है, और आने वाले विधानसभा में क्या तैयारियां होंगी उनकी, और किस तरीके से वो दो विधानसभा सीटों को चार विधानसभा सीटों में बदलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं यहां पर राजकुमार खुराना जी। बताइए राजकुमार खुराना जी, इस बार आपकी क्या तैयारी है और किस तरीके से आप कोशिश करेंगे नेतृत्व को पूरी तरह से जिम्मेदारी में लेते हुए, अपने खुद के नेतृत्व को और यहां पर चारों विधानसभा के लिए आपने क्या करने की, किन जिम्मेदारियों से आप काम कर रहे हैं सर? देखिए, जैसे अभी राहुल गांधी जी ने जो संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करने का जो बीड़ा उठाया है और उनका जो नया अभी कंसेप्ट आया है संगठन को लेकर, उस हिसाब से हम लोग अभी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, मध्यम कमेटी के माध्यम से जो कहने का ये कांग्रेस संगठन की कमियां थी, आज हम लोग बिल्कुल इस मामले में पूर्णतः सक्षम हैं। हम लोगों ने पूरे जिले में लगभग जो 1250-1300 बूथ कमेटियां, उन सबका निर्माण कर दिया है, सेक्टर कमेटी, मध्यम कमेटी। अब हमारा कार्यकर्ता जो है पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है, पुरानी जो भी गलतियां हुई हैं वो सुधारकर हम लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेंगे, और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे और सिवनी जिला जिस तरह से पिछड़ा विकास को लेकर, तो आज पूरा मतदाता एकजुट है कि वो कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगा और इस बार निश्चित रूप से चारों विधानसभा सीट हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पिछले चार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने कब्जा करके रखा हुआ था उसको भेदा है यहां पर दिनेश राय मुनमुन ने, जो कि वर्तमान के विधायक हैं। क्या कमियां रही जिसकी वजह से एक निर्दलीय को चुना गया और कांग्रेस को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ा पिछले विधानसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा कि मैं खुद ही चुनाव लड़ा था पिछले विधानसभा का, लेकिन मैंने अपने मतदाताओं से झूठ नहीं बोला, मैंने उनको झूठा आश्वासन नहीं दिया, न उनको ऐसी बातें कही कि पिछले जो विधायक निर्दलीय जीते थे उन्होंने तो ऐसे ऐसे आश्वासन दे दिए थे शायद वो भारत सरकार उन आश्वासन को पूरा नहीं कर सकती थी। उन्होंने हर काम को स्वयं के वैसे बनाने का वादा किया था लोगों से, लेकिन उनका वादा कहीं भी वो खड़े नहीं उतरे और जनता चली गई बुरी तरह से, और उनको भी मजबूरी में आखिरी में फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा, जिस पार्टी का सूरज अब अस्त होने लगा मध्य प्रदेश में। क्या लगता है कि आप जिस तरीके से अभी दौरे कर रहे हैं, अभी तक के कोई भी शीर्ष का नेता सिवनी में नहीं आया, जबकि लगातार शिवराज जी यहां पर दौरे कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह के अलावा अगर कोई बात की जाए तो कोई भी शीर्ष का नेता जिला स्तर पे कहीं पे भी नहीं आए हैं, तो क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की परीक्षण निरंतर हमारे दौरा कर रहे हैं, और अभी दिग्विजय सिंह जी भी आए तो आपने देखा होगा बहुत सफल कार्यक्रम रहा उनका, जो भी समन्वय समिति का कार्यक्रम था, और बड़े नेता जितनी भी सब व्यस्त थे कहीं ना कहीं दौरे कर रहे हैं प्रदेश भर में, तो सिवनी का नंबर आएगा तो निश्चित रूप से सिवनी भी आएंगे। तब तक हम सब मिलकर, आप देख रहे हैं इस समय कि हमारा पूरी कांग्रेस पार्टी का छोटे छोटा कार्यकर्ता भी जो है वो पूरे दमखम के साथ पार्टी को जिताने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। इस बार निर्दलीय और भाजपा दोनों एक होके आपके विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे या आप उनके विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे, किस हद तक के आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं? अब हमको तो चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अब उनके साथ कौन जुड़े कौन नहीं जुड़े तो उनका मैटर है, लेकिन हम लोग अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी का चुनाव सीधा सीधा बीजेपी से होना है, और पिछले 15 सालों के भाजपा के शासन में मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र के पूरे सिवनी जिले को भाजपा ने कोई ऐसी उपलब्धि नहीं दी जिसकी दम पर वो वोट मांगने के लिए बाजार में जनता के पास जा सकते हैं। आज सिवनी जिले का जो भी विकास है वो पूरा का पूरा विकास हमारे पूर्व जो जनप्रतिनिधि रहे कांग्रेस के, चाहे विमला वर्मा जी रही हूँ चाहे हरमन सिंह जी रहे हो, उन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों का विकास दिखता है, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भी विकास यहाँ पर दिखाई नहीं देता। मुद्दा गरम है, मुनमुन का पार्टी बदलकर बीजेपी का दामन थामना जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं न कहीं देखें तो सिवनी विधानसभा की जनता विधायक से रोष्ट ही नजर आ रही है। क्या कहता है जन का मन और क्या कहते हैं इलाके में मुनमुन के कराए हुए विकास कार्य, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 2013, 2018, 2003, 2008 अगर आप सारे विधानसभा चुनावों को देखते हैं, उसके परिणामों को देखें, समीकरणों को देखें, तो में कहीं कुछ बदला हुआ नजर नहीं आ रहा। विधायक जी के बारे में बताया, विधायक जी ने इन 4.5 सालों में सिवा सिंडिकेट बनाने की, दारू की दुकान बढ़ाने के अलावा कोई काम ही करे हैं? और उसके अलावा यहाँ पे बता रहे थे किसानों की जय दयनीय स्थिति है, मैं स्वयं किसान हूँ, हमको मुआवजे का पैसा अभी तक नहीं मिला। हम पिछले 10-15 सालों से सिवनी के देख रहे हैं, तो सिवनी की हालत दिनों दिन बदतर से और बदतर होते जा रही है। यहाँ पे
विधायक यहाँ के हों या बाहर से आके जो यहाँ पे विधायक बने हैं वर्तमान में, निर्दलीय से आज भाजपा विधायक हो गए, आज सिवनी कहीं ना कहीं दूसरे नए व्यक्ति को चांस देने के बावजूद भी भगा महसूस कर रहा है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए कड़ी कानून व्यवस्था बनाने की जरूरत है। पुरुष वर्ग जो है वो अत्याचार, व्याभिचार जो भी और घरेलू हिंसा में जो लिप्त रहते हैं उनके लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। कहूंगी कि सरकार कोई भी हो, कहीं की भी हो, महिलाओं को लेकर सरकार ने कभी कोई गंभीर निर्णय लिया ही नहीं है और महिलाओं को उन्होंने गंभीरता से उनकी परेशानियों को, उनकी इज्जत को, उनकी आबरू को गंभीरता से नहीं लिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो किसी नेता के खास होते हैं। नेता कहीं भी जाए, अच्छा या बुरा भी करे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी अपने नेता के ही साथ रहते हैं। ये तो हम रूबरू हुए सिवनी की हालिया स्थिति से। जन के मन से अब तक पता चला है कि जनता परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं घबराती हैं, आम जन भी परेशान है। तो चलिए एक बार भाजपा समर्थकों से जिला की स्थिति जानते हैं। सिवनी में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अभी बीच में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने आए थे, उसमें यह घटना घटी कि कुछ लोग गए और कुछ लोग नहीं गए। हम आपको प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा, हम प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और सिवनी विधानसभा से जो भी कैंडिडेट प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, हम तन मन धन से उसे जिताकर उसे मध्य प्रदेश की विधानसभा। मेरे साथ शिवराज सिंह चौहान ने जो जितनी योजना लाया उसके साथ हम चारों विधानसभा इस बार जीतेंगे और चारों ही जगह कमल खिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अभी हमने आपको दिखाया पंजाब केसरी के विशेष कार्यक्रम विधायक नामा में सिवनी विधायक दिनेश राय मनमोहन का रिपोर्ट कार्ड। वहीं हमने बात की सिवनी के सियासत के इतिहास की और वहीं हमने जनमन में बात की सिवनी की जनता की और उनसे मन की बात जानी कि वो क्या चाहते हैं और कैसा विधायक और कैसी सरकार चाहते हैं। हम बता दें अगर सिवनी समीकरण की बात करें, विधानसभा समीकरण की बात करें, तो पिछले 28 वर्षों से कांग्रेस जो कि वनवास काट रही थी, निश्चित तौर पर पूरी जोर शोर के साथ इस बार चुनावी मैदान में, सिवनी विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में यहां पर उतरने की पूरी कवायद में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो निर्दलीय विधायक जिन्होंने पिछले विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही मात दी थी, वो खुद ही अब भाजपा में शामिल हो गए। अलग ही समीकरण यहां पर समझ में आ रहा है। जनता की मन की बात में हमने जाना कि जनता अभी यहां पर निश्चित नहीं कर पाई है कि वो किस करवट बैठेगी और किस तरीके से वो यहां पर वोट डालेगी। जैसे कि बता दें कि कुछ ही देर बाद आपको विधायकों को किस किस को टिकट मिलेगी, अब देखना होगा कांग्रेस से किसको टिकट मिलती है, भाजपा से किसको टिकट मिलती है और उसके बाद निर्दलीय का क्या नया समीकरण बनता है। सिवनी से पंजाब केसरी के लिए अब्दुल कादिर खान की रिपोर्ट।